असामाजिक तत्व के द्वारा अग्निपथ के नाम पे पूरे ट्रेन को जला दिया गया है, जिसमें सारे एसी बॉगी हैं, इन सारे एसी बॉगियों में आग लगा दिया गया है और इसे बचाने के लिए अग्निशामक दल के दस्ते लगे हुए हैं और बाकी बॉगियों को बचाने के लिए उसे काट के अलग कर दिया गया है। उस पर भी पथराव किया गया है और उसको भी क्षतिग्रस्त किया गया है और ये पूरे चार बॉगी को जला दिया गया है। देखिए किस तरह अग्निशामक दल के लोग दौड़ रहे हैं और इसे बचाने में लगे हुए हैं। ये बहुत ही बुरा है देश में अराजकता फैलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना ही भयावह स्थिति है, लोग किस मानसिकता क्या है देख सकते हैं। निजी स्वार्थ के लिए लोग इन्हें रेल को और सार्वजनिक संपत्ति को किस तरह निशाना बना रहे हैं देख सकते हैं। यह स्थिति समस्तीपुर के भोला टोपी चौक के पास का है। चार साल के लिए फिजिकल करके चार साल के नौकरी कर रहे हैं, 21,000 सैलरी पर आप ही जॉब करते हैं। आपका 2,00,000 रुपए सैलरी मिल रहा है, 3,00,000 रुपए एक मंत्री को, उनका पेंशन कटिए, उनका पैसा कटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश के अपहरण में जाएगा। ये लोग तो ऑलरेडी पहले के सब इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है। मेहनत देखना है तो सुबह गांव के फील्ड में जाइए, वहां समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। एगो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार इन मोदी का है, जोगी का, जिसका भी है, उससे अधिकार बामे है और हम इस देश के हैं। अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना सही रहेगा, मंजूर है, हम मरेंगे। मेरा नाम अक्षय रावत है। अच्छा जी, आज रोड शो किया है, धरना प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? टीओडी भारत सरकार ने जो नई कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़ कर वन रैंक वन पेंशन के नाम पर वोट मांगा था और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम जान देंगे, दिल्ली तक जाएंगे, जान दे देंगे अगर नहीं पहन दूं तो। अपनी जान करेंगे। हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं, हमारे ही दोस्त 62 जो आज तक अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो, वर्दी दो। और दूसरी बात हमारी, अगर नहीं बात मरे, हम यहाँ से रोड से उठेंगे नहीं, चाहे आज चाहे कल, हम नहीं जाएंगे। हम मरे हुए समान है, हमारी सांसें छीन ली गई है, छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा है। तैयारी कर रहे हैं, बचपन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। 15 साल एनसीसी करके एनसीसी सीनियर ब्रिगेड होल्डर है और उसमें सर वो रिटर्न के लिए माफ कर दिया जाता है। आप बोला जा रहा है क्या कि मतलब इस्लामी कैंसिल है सर, हम लोग क्या होगा, हम लोग क्या होगा सर, बताइए सर, मर जाएंगे ना। हम 55 का नहीं सर, अभी सर मेरा 20 साल की उम्र है, बताइए सर, हम क्या तैयारी करेंगे? कोई एक ही बार एक ही चीज का तैयारी हो पाता है, वो बार बार आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। क्यों आंदोलन हो रहा है? मोदी जी ने पहले कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, फिर कहा पकौड़ा का रोजगार देंगे, फिर कहा कटोरा का रोजगार देंगे, फिर कहा गोबर बेच के रोजगार कर लो, अब कह रहे सेना में जाओ 4 साल नौकरी करो फिर भाग के चले आओ, चाहे आत्महत्या कर लो, चाहे गली गली में घूम के भीख मांगो। ये नौजवानों की हालत कर दी।
तो नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी राजेंद्र नगर में इनकी जमानत जब्त करा के बता देना कि नौजवान अगर तुमको प्रधानमंत्री बना सकता है तो नौजवान तुम्हारी पार्टी की जमानत भी राजेंद्र नगर में जब्त करवा सकता है। और इन भाजपाइयों के चुनाव निशान भी ऐसे हैं। क्या चुनाव निशान है, क्या नाम, क्या चुनाव निशान है? कमल का फूल, कमल का, कमल का। अब ये फूल ही बना रहे हैं आपको जब से आए। पहले कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, फूल बना दिया नौजवानों का। फिर कहा किसानों की आय दोगुना करेंगे, फिर फूल बना दिया आपका। फिर कहा नोटबंदी से आपकी तकदीर बदल जाएगी, फिर वो फूल बना दिया आपका। फिर कहा नौजवानों को सेना में भर्ती देंगे, फिर बना दिया फूल आपका। फिर कहा माताओं बहनों को सुरक्षा देंगे, फिर फूल बना दिया आपका। फिर कहा महंगाई देश के अंदर कम करेंगे, फिर फूल बना दिया आपका। अरे जिन कमल के फूल वालों ने आपको इतना फूल बनाया, इतना मूर्ख बनाया, उस कमल के फूल को इस बार राजेंद्र नगर में धूल में मिला दो, धूल में।